सुन मुझे घर से निकाल दिया। अरे मैं क्या करूं? अरे पगली, अरे बेटा, ये तो ना होता। इस दुनिया में मेरा एक भाई है और तूने मेरा रास्ता नहीं देखा। नहीं नहीं भैया। अरे तुम बेटा अपने लिए नहीं, अरे अपनी औलाद के लिए तुझे चिंता रहना। और आज आज के बाद हमारी बात करी ही जाएगी, हमारी बात रहेगी। भैया मैंने सोचा जो हाल मेरा है चला बच्चा है, जब आया आएगा तो यही हाल उसका होगा। अरे पगली, अरे तो अपनी जान गंवा देती, लेकिन कम से कम इस बच्चे का ख्याल कर। चलो हमारे साथ चलो, आज के बाद तुम हमारे साथ रहोगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक भैया, तुम कितनी अच्छी हो। साहब हमारा आपका कुछ नहीं जरूरत का कोई रिश्ता है, जो मेरे अनमोल पे आपने हमारी बदल दिया है। आओ मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगी, एक कोख भी तो हमने जन्म नहीं लिया है, लेकिन अब की बार मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगी, यही इतना मांगूंगी, जब दोबारा जन्म लू तो आप मेरे भाई मेरे एक कोख से जन्म ले। अरे हमने मान तुझे दिल से माना है तो दुनिया की कोई जगह मेरे पैर को नहीं छू सकती। सच कहा आपने, अगर आज तुम नहीं होती तो मैं नहीं होती। उस दिन आपने मुझे बचाया, मेरी याद लू आज आज बोले से मेरी जान बचाई है। मेरी चंदा, मेरी भैया, मेरी अनमोल रतन, जवानी की कोई चीज तुम्हारे घर पहुंचा देंगे मेरी भी। हाँ ठीक है, अच्छा फोन लेके।
मेरी सास जो जिंदगी भर मुझे ताना दिया है और मेरे पति अपराधियों से तो बहुत खुश होते, लेकिन आज खुशी बनने वाला कोई नहीं है। अच्छा ही कर रहा है, ये हमारा भांजा हमारे पास है। हाँ भैया, लेकिन आज मेरी बच्ची का भी ही नाम रख दीजिए। मैं आज आज अपने भांजे का नाम अनिल कुमार रखता। ठीक है भैया, I'm
Thank you.
गई। सहेली भी ले लो। ठीक है जा जा रही ठीक है जाओ। कई बार आए कहाँ है राज कुमारी? हाँ हाँ समझ रुकने गई है। हाँ हाँ और बंद रुक ले लेना। हाँ ठीक है हम चले जाओ। ठीक चलिए महाराज। हाँ इधर बात वही जो बच्चा हुआ था जिसका नाम अनिल है काफी बड़ा लड़का है। इधर बात वही डाकू शाखा आते हैं और देखिए अनिल आता है और क्या होता क्या नहीं बताओ। हाँ ये हमारा भांजा अनिल पढ़ने में देता है पढ़ने में नंबर वन है किस समय अच्छी पढ़ाई करता है फर्स्ट आता है। हम उससे यही करते आप बैठिए आता होगा। मददगार बनो यही तुम्हारी नौकरी है
ہے تمہارے دوست اگر یہ بات ہے تو آپ کا حکم ہمیں پالن کرتا ہے یہی تم کرنا کہیں لوگ رکھا کرنا سب سے بڑا دھرم ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم تھوڑا آرام کریں گے اور تم اپنا کام دیکھنا ٹھیک ہے چلو ہمارے ساتھ آئیے